हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बाहरी राज्यों के कुछ मजदूर यहां पर कार्य करने के लिए आए थे, परंतु जैसे ही हिमाचल प्रदेश कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया, ये मजदूर यहीं पर रहने को मजबूर हो गए। चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले उपमंडल डलहोची की ग्राम पंचायत पुखरी में श्रवण कुमार प्रवासी मजदूर ने उपायुक्त चंबा को एक शिकायत भेजी, जिसमें उसने ये शिकायत कहा कि मेरे पास खाद की सामग्री नहीं है, मैं भूखा रहने पर मजबूर हूँ। जैसे ही ये जानकारी उपमंडलीय अधिकारी डलहोची मुरलीलाल को मिली तो उपमंडलीय अधिकारी डलहोची मुरारी लाल और श्रम निरीक्षण अधिकारी संत राम वर्मा प्रवासी मजदूर के आशियाने में पहुंच गए और उसकी सहायता की। सुबह गया तो मैं कुछ नहीं बोला उसके बाद तक तेरे सुनो ना, सुनो आपने ना पुखी से ना सुबह रास्ता है री ज्यादा नहीं बोला यहाँ पे, ठीक है ना, ज्यादा बकवास नहीं करनी है, प्रशासन लगा और रात दिन आपके लोगों के बीच में और अब अपने लोगों को मारे भूखा, यहाँ भी आपका हाल, इधर भी वही हाल, जो बाहर वाले हमारे सारे और इधर पर वो इनका भी हाल है, तो उसको वो चीज बोलो जो है नहीं, मतलब मैं सर जी तभी गया था जब आपने यार भी बना दिया ना, वहां कट्टों के कट्टे मिले हमारे को सिले हुए यार, जब वापस वहां पे और वहां पे तो ऐसा लगता है मेरे को किसी ने टाल दी है, किसी ने टाल दी है पास की कितनी ज्यादा, जितने से कल पूछा है सुबह भी अभी थोड़ी पहले पूछा कि राशन है तो ना है नहीं राशन, उपवास कर ली कम से कम इसकी तो सेंस रखो यार, हम इतना हिमाचल जो हमारे अपने लोग है गरीब बेचारा से उसको जो है ना एकदम हमने राशन की गाड़ी भेज दी TWO के साथ, राशन की फुल गाड़ी गांव में वो राशन नहीं था, जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुंची उन लोगों ने बोला कि सर कल शाम को हमारा डिपो का सामान आ गया, आप गाड़ी कहीं और जगह ले जाओ, ये होती ईमानदारी यार सर, आप तो बोलते कि वहाँ राशन ही नहीं, मतलब। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए